देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अब विशाल रूप में नजर आ रहा है। एयरपोर्ट के फेज टू टर्मिनल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जबकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नए टर्मिनल का निरीक्षण किया, कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जहां लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं अब यात्रियों के आवागमन के लिए 486 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार किया गया है। इसके बनने से उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में भी निश्चित तौर पर इजाफा होगा। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड का ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो और विस्तार ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग जिसका अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम 4 लाख की क्षमता थी पूरे वर्ष में यात्रियों को समाहित करने की, तो आज इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना, कहाँ 4 लाख, कहाँ 47 लाख। तो निश्चित रूप में इस एयरपोर्ट ने बहुत विस्तार किया है। ये हमारी एरिया फेज टू है इस टर्मिनल बिल्डिंग का, जो कंप्लीट हो गया है। और ये अराइवल पोर्शन है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 2 फेजेस में हुआ था, फेज़ वन और फेज़ टू। फेज़ वन हमारा डिपार्चर था, तो फेज़ टू अराइवल है। ये कंप्लीट हो गया, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सर उत्तराखंड, इसमें सारे जो उत्तराखंड की झलक दिखाई गई है, जो आप देख रहे हैं पेंटिंग में, जिसमें जो है कहना चाहिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फ्लावर्स ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स, और जो है तुंगनाथ मंदिर, हरिद्वार, हर की पैड़ी, इनके सारे व्यू लिए, देवप्रयाग, कल्पवृक्ष, ब्यास गुफाएं इत्यादि सारे कवर किए।